अस्सलामु अलैकुम भाईजान, आप सभी को ईद मुबारक। और इस ईद पे मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जैसा कि दूर दूर तक कोई भी घर या कोई भी इंसान नहीं नज़र आ रहा, और आप सोच सकते हैं कि मेरा रब कितना बड़ा है, मेरा मौला कितना बड़ा है कि मेरे भाई को यहाँ पे इबादत करने की जगह दी। वो यहाँ अकेले इस वीरान जगह पे, जहाँ कोई नहीं आता, कोई भी नहीं, दूर दूर तक इतनी बड़ी खुली जगह में ये रहते हैं, और बहुत नेक दिल इंसान हैं ये, और मोहब्बती भी हैं। वो कहते हैं ना, जिसे जो मन से रहता है उसे उसी चीज़ का लकब मिलता है। तो हमारे भाई को भी उसी चीज़ का लकब मिला है, मोहब्बती हैं। उन्हें नाम भी मोहब्बत, नाम उनका नाम भी मोहब्बत है, मोहब्बत शाह वारसी। ये भी हमारे वारिस पाक के दीवाने हैं, मुर्शिद हैं, और एहराम पोश भी हैं, गद्दी नशीन हैं। मेरे पास इनकी तारीफ़ करने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। जो है मेरा रब है, मेरे मौला हैं, आकाए नामदार, मजनी ताजदार, मजनी ताजदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती भी हैं। हम सब उम्मती, ये हमारे रब की तरफ से पैगाम है कि आखरत के दिन, महशर के दिन, सारे उम्मती बख्शे जाएंगे हमारे नबी के सदके तसव्वुर से, और जितने भी गुनाहगार हैं उनकी गुनाहों की माफ़ी होगी और नेकियों की अदायगी होगी, और वो सब जन्नत के हकदार होंगे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सरदार रहेंगे हमारे जन्नत के, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वो औरतों की सरदार रहेंगी जन्नती। और इतना बड़ा मर्तबा मेरे रब ने दिया है, हम सब पंजतन पाक से ये दुआ करेंगे कि हमें आला से आला जन्नत में दर्जा मिले, और जितने भी पीर भाई हैं वो सब जन्नत में जाएं। वो भी किसके पीछे? हमारे नबी के पीछे। हमारे एक वाक्या है, मैं बताता हूँ आपको। हमारे नबी ने फरमाया है कि हमारे नबी के टाइम जितने भी उनके चाहने वाले शागिर्द थे, उन्होंने चेहरा देखकर उनका ईमान लाया और कलमा पढ़ा। और यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया है कि जितने आप हम एक पैगंबर थे सहाबा, वो पूछे हमारे नबी से कि बताइए आका, आपका आपके सबसे करीब कौन रहेगा? उन्होंने कहा, जिसने मेरा चेहरा नहीं दिखा, जिसने मेरे साथ नहीं रहा, जो मेरे वक्त में नहीं है, आने वाले समय में जितने भी उम्मती हैं, जितने भी ईमान लाए, उन्हें वो मेरे करीब रहेंगे, और जो वो मेरे सबसे करीब रहेंगे। तो हम सब उन्हीं की उम्मती हैं, उनके करीब हैं। तो आप नमाज़ें पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह से यही दुआ करें कि हम सब जन्नत में जाएं, और दुनिया की फालतू चीज़ें में ना रहें और गुनाहों से बचते रहें। जबकि हमारे रब ने तो फरमा ही दिया है कि जितने भी उम्मती हैं सब जन्नत में भेजे जाएंगे, सबकी मगफिरत होगी। और मेरे भाई ने फरमाया कि
मेरा रब जब खुश होता है, मेरे मौला जब खुश होते हैं, तब वो घर में मेहमान भेजते हैं, और जब बहुत खुश होते हैं तो औलाद की शक्ल में लड़की भेजते हैं, और जब राज़ी होते हैं तो उन्हें अपने पीर पैगंबर जितने भी हैं उनके चाहने वाले उसकी तरफ मोड़ देते हैं। आज मुझे ये मौका मिला है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। ये मेरे मौला का करम है कि उसने मुझे मोड़ दिया और मुझसे राज़ी हो गए। लेकिन मेरी इबादत यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मेरी नमाज़ें अभी हैं, मेरे नेक अमाल हैं, उन्हें मैं साथ रखूँगा और आप भी साथ रखें। आपका ये प्यारा भाई गुलजार पारसी आपको सलाम करता है और दिलों से अदाब करता है और आपका इस्तकबाल भी करता है। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप सभी को जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को शुक्रिया।